नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Insight में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में। दोस्तों, आप लोग भी सुन रहे हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्तियां आ रही हैं। बहुत से मित्रों ने तो तैयारी भी स्टार्ट कर चुकी है। अच्छी बात है, तैयारी स्टार्ट भी करना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसकी हकीकत क्या है, भर्ती कब आएगी, क्या इस भर्ती में चल रहा है अभी तक, ठीक है, वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की। और वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर तो करिएगा ही। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में क्या चल रहा है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, ये एक लेटर है जो कि शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश की तरफ से भेजा गया है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। कब भेजा गया है? तो 7 फरवरी 2020 को लेटर जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया लेटर, तो यहाँ पर दिया है, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु अध्याचन प्रेषित किए जाने के संबंध में। दोस्तों, जितने भी पद खाली हैं सहायक अध्यापकों के, प्रधानाध्यापकों के, उन पर भर्ती कराने के लिए पदों का ब्यौरा अभी तक जुटाया जा रहा है। और दोस्तों, ये दूसरी बार लेटर जारी किया गया है। इसके पहले एक लेटर जारी किया गया था, लेकिन आप लोग जानते हैं ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो अधिकारी हैं शासन की बात नहीं मानते हैं, फिर हम लोग तो अलग चीज़ है। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरी बार लेटर जारी किया गया है कि जल्द से जल्द जो खाली पद हैं उनका ब्यौरा दिया जाए। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, पहले जो लेटर जारी किया गया था उसमें लास्ट डेट 15 जनवरी 2020 रखी गई थी कि 15 जनवरी 2020 तक सभी खाली पदों का ब्यौरा भेजा जाए। लेकिन दोस्तों, इतने यहाँ के ऐसे अधिकारी हैं कि अभी तक नहीं भेजे, आज 11 फरवरी अभी तक ये ब्यौरा नहीं पहुँचा है, इसलिए 7 फरवरी को दोबारा से लेटर जारी किया गया और इस बार डेट रखी गई है 12 फरवरी 2020। 12 फरवरी 2020 यानी कल तक का टाइम दिया गया है शासन की तरफ से कि जितने भी पद खाली हैं इन सभी का ब्यौरा भेजा जाए, जिससे आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। जब तक पूरा पदों का ब्यौरा नहीं आ जाता है तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। समाचार पत्रों के माध्यम से दोस्तों ये बात सामने निकल के आ चुकी है कि लगभग 4500 के आसपास पद खाली होने का अनुमान है, इन पदों पर भर्तियां होंगी। लेकिन एग्जैक्ट कितने पद होंगे ये बाद में ही पता चलेगा जब सभी पदों का ब्यौरा आ जाएगा। अब जो BSc हैं उनको ये पदों का अध्याचन भेजना है, उसके लिए ईमेल ID जारी की गई है adhyachan@gmail.com। इस पर 12 फरवरी तक पदों का ब्यौरा भेजना है। अब दोस्तों, पहली बार तो अधिकारियों ने भेजा नहीं, अब दोबारा लेटर जारी किया हुआ था कि आपको लगता है कि इस बार 12 फरवरी तक सभी पदों का ब्यौरा भेज देंगे जितने भी BSc हैं? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि ये UP है, यहाँ पर ऐसा ही काम चलता है, बहुत ही लेट सारे काम होते हैं। क्योंकि इसमें आप ये भी मान सकते हैं कि जो BSc होते हैं उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर बिजी रहते हों, इस वजह से पदों का ब्यौरा ना भेजें और अभ्यर्थियों के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये उठता है कि आखिर ये भर्ती कब तक आएगी, अभी तक पदों का ब्यौरा ही नहीं जुटाया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें ये जो भर्ती है, अगर मेरी माने तो मई जून के पहले आने की कोई भी संभावना नहीं है। बहुत जल्दी भर्ती आई तो अप्रैल में आ सकती है, इससे पहले किसी भी हालत पे भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो देख पा रहे हैं कि ब्यौरा ही जुटाया जा रहा है। और ये भर्ती का जुम्मा जो है अब नए आयोग को मिल चुका है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा आयोग जो बनने जा रहा है। पहले परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी को जुम्मा मिला था करवाने का, अब नए आयोग के पास भर्ती का जुम्मा पहुँच चुका है और नया आयोग का अभी तक गठन नहीं हुआ। 1 मार्च से नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रक्रिया का मतलब इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, सदस्यों की नियुक्तियां होंगी, तो कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा। अगर मार्च से प्रक्रिया शुरू होती तो मार्च अप्रैल मई 3 महीना मान लीजिए, उसके बाद जून तक भर्ती आ सकती है। और अगर सरकार बहुत जल्दी करती है, 1 महीने में अगर मतलब बोर्ड बन जाता है, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्तियां हो जाती हैं मार्च भर में,
तो आप अप्रैल में आ सकते हैं, इससे पहले कोई भी गुंजाइश कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी सुपर टेट पास सॉरी जितने भी टेट पास हैं जूनियर का, उन सभी के लिए ये अपडेट है कि भर्ती आने वाली है, लेकिन कब आएगी कोई नहीं जानता है। ठीक है, फिलहाल अभी का अपडेट यही है, जैसा कुछ होगा अपडेट आने वाले वीडियोस में आपको लगातार मिलता रहेगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस चैनल पर हम लोग डेली एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अलावा कई और महत्वपूर्ण वीडियो भी आपके लिए लाते हैं, जैसे जो भी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं अब उसके भी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब तक आपको जॉब नहीं लगती तब तक आप अपने लिए कुछ ऐसे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, घर बैठे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। सरकारी जितनी भी नौकरियां होती हैं उनकी अपडेट तो मिलेगी मिलेगी, साथ में पार्ट टाइम जॉब के भी आपको वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे। हमने कई सारे वीडियो बना कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट वीडियो था, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।